मियां नवाज शरीफ की जमानत में तौसी क्यों नहीं दी। लीगी अरकान का ऐवान के अंदर और बाहर वावेला। हुकूमत को हट धर्म और इंतकामी सियासत की हामिल करार दे दिया। हुकूमत पंजाब ने मजीद उसको एक्सटेंड न करने का फैसला किया, तो बेसिकली हुकूमत पंजाब नहीं है, पीछे तो इमरान खान साहब भी हैं और उनका जो एक मेन इस वक्त टारगेट है वो अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना है। हम दोनों भाई भी उसका निशाना बने हुए हैं, गवर्नमेंट उनसे चल नहीं रही। ये उनका लीगल राइट है कि वो अपना इलाज मुआवजा कराएं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स दो हाई कोर्ट्स ने देखने के बाद उनको जमानत दी और बाहर जाने की इजाज़त दी। तौसी का हक उन्होंने पंजाब हुकूमत को दिया। पीपल्स पार्टी ने भी काबीना के फैसले को इंतकामी सियासत करार दिया। हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए था, हुकूमत ने अपने छोटेपन का मुजाहरा किया है और गलत किया है, उन्हें इलाज की इजाज़त होनी चाहिए। हुकूमती अराकीन बोले 16 हफ्ते इलाज के लिए काफी है। मियां नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं, वापस आकर केसेस का सामना करें। हुकूमत पंजाब ने लाजमी हमने कोशिश करनी है कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में स्ट्रेंथन करे। नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम रहे हैं इस मुल्क के, उनको चाहिए कि वो आए अपने केसेस का सामना करें। अब 16 हफ्ते गुजर चुके हैं और 16 हफ्तों में किसी एक दिन के लिए भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। अगर वो पाए जाते हैं कि हॉस्पिटल में नहीं पाए जाते, रेस्टोरेंट्स में पाए जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि या तो अपने जस्टिफिकेशन वहाँ से करें। अरकीन असेंबली ने मुतजाद बयान देते हुए एक नुक्ते पर इत्तफाक जरूर किया कि नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रूबा अरूज, लाहौर। रन सियासत नहीं चलेगी।